हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम मूंगफली और नारियल को मिक्स करते हुए उसकी चटनी बनाएंगे, जो बहुत ही इजीली आप घर पे बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी मूँगफलियाँ ली हैं, इसको हम धीमी आँच पर भून लेंगे। मूँगफली के साथ जो मैंने नारियल लिया है, इसको भी हम छोटे टुकड़ों में कट करेंगे, जिससे कि मिक्सर जार में पीसते वक्त ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अपने अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने मूंगफलियाँ जो ली थी, इसके भी मैंने कुछ छिलके उतार दिए हैं। आप चाहें तो मूंगफलियों के छिलके उतारना इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। अब हम थोड़ा थोड़ा मूँगफली और नारियल को मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बनाएंगे, चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने मूंगफली और नारियल डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चना दाल। ये चने दाल जो है, ये भुनी हुई है। आप चाहें तो भुने हुए चने जो होते हैं, उसको भी थोड़ा सा मिला सकते हैं इसमें। साथ ही मैंने डाला है 3-4 कली लहसुन। आप चाहें तो लहसुन को इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 छोटी मिर्ची डाल दिया है, हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के बाद मैं इसमें करीब 3 चम्मच दही डालूंगी। दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए। दही के साथ मैंने थोड़े से मैंने चीनी के दाने डाले हैं, और थोड़ा सा अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हुए इसको ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो दही को इग्नोर करके आप नींबू इसमें मिला सकते हैं। तो फाइन पेस्ट बनाने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अच्छे से इसको पीस लूँगी। तो मैंने इसमें 2 बार पानी ऐड किया है और इस तरह का फाइन पेस्ट इसको बना लिया है। ऐसे ही हम सारे चटनी अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें छौंक लगाएंगे चटनी में। छौंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पे राई डाला है, और ढेर सारी राई आपको डालनी है। तो राई इसमें मस्ट होती है। अगर आप जीरा डालते हैं तो वो स्वाद इसमें आता नहीं है। तो बढ़िया से राई को चटकना है। उसके साथ हम इसमें मिलाएंगे करी पत्ते। करी पत्ते की भी क्वांटिटी आप थोड़ी ज़्यादा रखिए, क्योंकि इस चटनी में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत ही सिंपल होती है, बट खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और आप इसको फ्रिज में रख के आप 2 दिन तक इसको खा भी सकते हैं। तो चटनी को थोड़ा खट्टा करने के लिए मैंने यहाँ चाट मसाला और मिला दिया है। आपको अगर थोड़ा सा इसको चटनी को रंग बिरंगा बनाना है, तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं या साबुत मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब मैंने जो मिक्सचर तैयार किया था, अब इसमें हम छौंक लगा देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये चटनी मैं उत्पम के साथ खाने के लिए बना रही हूँ। आप चाहें तो इडली या डोसे के साथ भी सेम चटनी बना सकते हैं। ये बहुत थिक और बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, तो मीडियम में कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा उत्तप्पा भी बना लेते हैं। उत्तप्पे की पूरी रेसिपी तो मैं इसमें शेयर नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो लिंक पे देख सकते हैं। हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अच्छे से हम एक उत्तपम बनाएंगे और सांभर के साथ में चटनी को सर्व करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स, ये उत्पम की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।